ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम लोग बात करेंगे मंत्र के बारे में। सामान्यतः मंत्र के विषय में बहुत सारी धारणाएं हैं जो गलत है। मंत्र क्या है, मंत्र कहाँ से आया, मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र की सिद्धि कैसे संभव है, इन सारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हर व्यक्ति चाहता है। मंत्र कैसे काम करता है, मंत्र तंत्र यंत्र, ये अलग अलग बातें, तीनों का आपस में अलग अलग समय पर अलग अलग संबंध है। मंत्र, मंत्र का मतलब है मन से, जो मन का सिद्धि है, जो मन से संबंधित है। मन से संबंध मतलब, मन से मतलब उसमें शरीर का योगदान नहीं, उसमें शारीरिक प्रक्रियाएं नहीं। इसलिए मंत्र सबसे उत्तम, अर्थात कह सकते हैं सर्वोत्तम। मंत्र शरीर की प्रक्रियाओं से बाधित नहीं होगा। अगर हम युगों की बात करें तो सबसे पहले ध्यान प्रथम युग ऐसा लिखा गया वेदों में, और उसके पहले ध्यान प्रथम युग, जो प्रथम युग था जिसको सतयुग कहा गया, वहां पर प्रभु की सिद्धि ध्यान से प्राप्त होती थी। ध्यान, ध्यान कैसे लगेगा, ध्यान लगेगा मन के नियंत्रण से। ध्यान शब्दों के बोलने से नहीं लगेगा, क्रियाकलापों से नहीं लगेगा, ध्यान लगेगा मन के नियंत्रण से, मन को एकाग्र करने से। तो ध्यान प्रथम युग, पहले युग में ध्यान, फिर दूसरे युग की बात आती। दूसरे युग का मतलब त्रेता युग, मख विधि दूजे, मख, मख मीन्स यज्ञ, यानी क्रियाकलाप। अब क्रियाओं का प्रावधान शुरू हुआ। मख विधि दूजे यानी दूसरे कालखंड में, यानी त्रेता युग में जो प्रभु की प्राप्ति का मार्ग बताया गया, वो बताया गया यज्ञ, मंत्र यज्ञ। यज्ञ मीन्स शरीर की क्रियाओं की लिप्तता, शरीर की क्रियाओं की बाध्यता, वो तंत्र में आ गया। मंत्र में शरीर की क्रियाओं की किसी विधि की आवश्यकता नहीं। आज हम लोग मंत्र की बात करेंगे, फिर तंत्र की, यंत्र की, और उसके बाद भी है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो मन, मन की अवस्था, ये ध्यान लगाने की अवस्था है। अब प्रश्न होगा ये ध्यान कैसे लगे। और एक विषय और भी है कि ध्यान
लगाने में हमें करना क्या होगा? ध्यान लगाने में हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना होगा। इंद्रियां सबसे नीचे स्तर पे हैं। हमारे ग्रंथों में हमारे ऋषियों ने जो विचार दिए उसमें उन्होंने शरीर को सबसे नीचे रखा। शरीर को कौन वश में रखता है? इंद्रियां। इंद्रियों को कौन वश में रखता है? मन। और मन को कौन वश में रखता है? बुद्धि। हमारे ऋषियों ने इस बात का दृष्टांत दिया कि हमारा शरीर एक रथ की तरह है। रथ पे लगे हुए जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, सेंस, और घोड़ों पे लगी हुई लगाम वो है मन। अगर एक बार लगाम हिली, यानी एक बार मन हिला, तो लगाम के हिलते ही, यानी मन के हिलते ही इंद्रियां बेकाबू हो जाएंगी। इंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगी, और इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रहेंगी यानी घोड़े भागने लगेंगे, और घोड़े जब आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगे तो रथ टूट जाएगा। रथ को क्या कहा गया? शरीर कहा गया। यानी मन के नियंत्रण ना होने से, यानी लगाम के नियंत्रण ना होने से इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहेंगी, इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रहेंगी, और भोगेगा कौन? भोगेगा शरीर, और शरीर ही भोगेगा जब मन नियंत्रण में नहीं होगा। तो वापस आ जाते हैं, मन स्थिर करना। मन को स्थिर करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा। बुद्धि का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? बुद्धि का प्रयोग कैसे संभव है? बुद्धि से मन कैसे नियंत्रण में होगा? बुद्धि से मन नियंत्रण में होगा अभ्यास से। आपको अभ्यास करना होगा, हमको अभ्यास करना होगा, और अभ्यास करते करते ये जो हमारा मन है ये हमारा नियंत्रण में आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक वस्तु आपने 5 वर्ष से उसका उपयोग नहीं किया है, उसको नहीं खाया है, तो आप उस वस्तु को खाने के लिए आपका मन नहीं आता है। आपके मन में, बुद्धि में उसकी याद नहीं आती। और एक बार अगर आप लगातार उसका प्रयोग करते हैं तो आपको लगातार, आज प्रयोग करेंगे कल फिर उसका मन होगा, और ये मन लगातार होते होते आपको पथभ्रष्ट कर देगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ, मंत्र क्या है? तो मन कोई मंत्र कोई वाक्य नहीं है, मंत्र है आपके मन का नियंत्रण। मन का नियंत्रण यानी मन का नियंत्रण जब आप पर स्थिर हो जाए तो आपकी बुद्धि और मन के योग से बुद्धि योग जागृत हो जाएगा, और ये जब बुद्धि योग जागृत होगा, क्या जागृत होगा? बुद्धि योग। और जब ये बुद्धि योग जागृत हो जाएगा तो आपका मन चैतन्य अवस्था में आ जाएगा। मन की चैतन्यता, मन का नियंत्रण आसानी का नहीं, मन का नियंत्रण, मन की चैतन्यता अभ्यास से एक बार अगर आपको आ गई तो आप ये निश्चित जान लीजिए, आप जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आपने कई बार ऐसा सोचा होगा कि आप किसी के विषय में ध्यान से सोचते हैं और उसका
फोन आ जाता है। उस समय उस कालखंड में आपका जो मन और जो बुद्धि वो जागृत अवस्था में आ जाता है, इसी को मंत्र कहते हैं। मन और बुद्धि के जागृत अवस्था में एकाकार हो जाने को मंत्र कहते हैं। मंत्र कोई शब्दों का प्रयोग नहीं, मंत्र कोई शब्दों का आधार नहीं, वो मन और बुद्धि जब एकाकार हो जाएगी तो आप वही सोचेंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आप जो सोचेंगे वही होगा। और ये हजारों लाखों करोड़ों लोगों में कोई एक ऐसा कर पाता है, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अपने मन पे नियंत्रण रखना होगा, मन के नियंत्रण के लिए बुद्धि पे नियंत्रण रखना होगा, और बुद्धि जब मन पे नियंत्रण रखेगी तो निस्संदेह आपके मन में एक मंत्र जागृत हो जाएगा। अब मंत्र जागृत कैसे होगा इसके विषय में बात कर लेते हैं। मन जागृत होगा ईश्वर के प्रेम से। ईश्वर का प्रेम, हम ईश्वर से प्रेम नहीं करते, हम बाकी सारी तृष्णाओं में लिप्त रहते हैं, सब कुछ सोचते रहते हैं, ईश्वर के विषय में नहीं सोचते। हम बाकी सब करते रहते हैं, ईश्वर के विषय में नहीं करते। हम जो करते हैं अपने लिए, पहली समस्या यहीं से शुरू होती है। हम जो करते हैं अपने लिए, अपने लिए आप कौन, कितने दिन रहेंगे, कितने रहने का अर्थात ये शरीर कितने दिन रहेगा, आप अपने लिए ना करिए, अपनों के लिए ना करिए, आप प्रभु के लिए। और जब आप प्रभु के लिए काम करने लगते हैं तो निश्चित मान लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कार्य करते समय ईश्वर को लगातार मन में रखते हुए कार्य करना है, और ईश्वर को मन में लगातार कार्य करते हुए रखने से आपका जो मन होगा ना वो हमेशा नियंत्रण में रहेगा। और मन नियंत्रण में रहेगा तो उस मंत्र को जो बुद्धि का, ईश्वर का जो बल प्राप्त होगा वो बल ही मंत्र है। और वो मंत्र जब आपके हृदय में स्थिर हो जाएगा तो आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि आपके मन में ईश्वर स्थिर हो चुका होगा, आपके हृदय में ईश्वर स्थिर हो चुका होगा। मन एक बहुत असीमित क्षमतावान प्रभु का दिया हुआ आपको वरदान है। आप इसको भटकाते रहते हैं, हम इसको भटकाते रहते हैं। मैंने आपसे बोला इसको नियंत्रण में रखना है, नियंत्रण में रखने का कारण मैंने बताया अभ्यास, केवल अभ्यास। अभ्यास करने का तरीका ईश्वर का कार्य है, ईश्वर के लिए कार्य है, कर्म करेंगे, ईश्वर का कर्म करेंगे। और जब ईश्वर का कर्म करने लगेंगे तो अपने आप उस मन को ईश्वरी शक्ति प्रदान हो जाएगी, और उस ईश्वरी शक्ति के प्राप्त होते ही आप जान नहीं पाएंगे, ईश्वर आपको जगाएगा नहीं। और यदि आप जान गए तो आपको घमंड आ जाएगा, और वो घमंड फिर आपका पतन का कारण। एक बार आपने किसी से कहा और वो सत्य हो गया, आपने मन में विचार किया वो विचार सत्य हो गया, तो आप उसकी परीक्षा लेने लगते हैं कि जो मैं सोचता हूं वही हो जाता है, जो मैं विचार करता हूं वही हो जाता है। ये परीक्षा ले लीजिए, ये बल आपका नहीं है,
ये बल ईश्वर का है, ईश्वर ने वो बल आपको दिया है, इसलिए उस मन को जागृत करिए। जागृत करने के लिए ईश्वर के समीप बैठिए, एकांत में बैठिए और एकांत में उस ईश्वर को जानिए, उस ईश्वर को अपने मन में बसाइए, किसी मनुष्य को मन में ना बसाइए। मनुष्य को मन में बसाएंगे मनुष्य आपको कुछ नहीं दे सकता, जो भी देगा वो असीम कृपा सिंह ईश्वर ही आपको दे। ईश्वर की छवि मन में अंकित करिए, बुद्धि में अंकित करिए और कुछ भी करते समय उसको मन में रखिए और लगातार ये अभ्यास करते करते कुछ कालखंड में, किसी का एक महीने में, किसी का छह महीने में, किसी का पांच साल में, किसी का दस साल में, वो मन जागृत हो जाएगा। और जिस क्षण आपका वो मन जागृत हो गया, आपका मंत्र जागृत अवस्था में आ गया। और मन के जागृत अवस्था में आते ही आप प्रभु में लीन है, कार्य कुछ भी कर रहे हैं आप प्रभु में लीन है, और वो प्रभु में लीनता ही मंत्र का उद्गार है। तो मंत्र शब्दों में बना नहीं, मंत्र मन बुद्धि हृदय और ईश्वर का सामंजस्य है, वो आपको प्राप्त करना है। कोई ये विचार करे कि वो मेरे पास आ जाए, मैं उसका मंत्र जागृत करा सकता हूं, ये न सोचिए। आप स्वतः अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपनी आत्मा में ईश्वर को स्थान दीजिए, स्वतः ही धीरे धीरे, समय लगेगा, काल लगेगा। मन में विचार करिए कि जीवन का कितना बड़ा कालखंड आपने सिर्फ माया में व्यतीत कर दिया, कुछ नहीं प्राप्त हुआ, जो प्राप्त हुआ वो कितने दिन आपका रहने वाला है। आज है कल वो नहीं रहेगा, जब आप ही नहीं रहेंगे, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो वो आपका क्या रहे। इसलिए ईश्वर में लीन हो जाइए, अपनी बुद्धि ईश्वर में लीन कर दीजिए। बुद्धि के ईश्वर में लीन होते ही मन स्वतः ही लीन होने लगेगा। मन बुद्धि का दास, मन को बुद्धि का राजा मत बनाइए। मेरे पास ना आइए, मेरे पास कुछ नहीं, सब ईश्वर ने आपको स्वतः ही दिया। जिस दिन आपकी बुद्धि ईश्वर में लीन हो जाएगी, कर्म कुछ भी करिए, कर्म करने में कोई अंतर नहीं। जब बुद्धि ईश्वर में लीन होगी तो अकर्म होगा ही नहीं, आपसे कर्म होगा। आप अपने लिए ना करिए, आप ईश्वर के लिए करें। और जब आप ईश्वर के लिए करेंगे, बुद्धि ईश्वर में लीन होगी, मन ईश्वर में लीन होगा, तो आपका कर्म आपका मंत्र बन जाएगा, मन आपका मंत्र बन जाएगा, आत्मा आपकी, हृदय आपका, मन आपका, बुद्धि आपकी मंत्रमय हो जाएगी। और ये मंत्रमय आशीर्वाद जब आप किसी को देंगे तो वो आशीर्वाद राम के तुणीर के बाण के समान प्रभावी होगा, कभी निष्फल नहीं होगा। मन में कभी भी ये भ्रम न लाइए कि कोई व्यक्ति आपको उतार देगा, क्षणिक रूप से तो कोई व्यक्ति आपको मदद कर सकता है, आप स्वतः ही अपनी मदद कर सकते हैं। आप मंदिर क्यों जाते हैं? ताकि उस कालखंड के लिए आप ईश्वर में विलीन हो जाए। अगर आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय मंदिरमय हो गया, ईश्वरमय हो गया, तो आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं।
मंदिर द्वारे कालखंड एक छोटे से समय के लिए जाते हैं और बाहर आके फिर उसी माया में लिप्त हो गए। कार्य करते रहिए, मन बुद्धि हृदय आत्मा जीवात्मा लीन कर दीजिए, सब मंत्रमय हो जाएगा। आप जो सोचेंगे वही होगा, या ये मान लीजिए कि ईश्वर जो सोचेगा वही होगा, क्योंकि अब तो आप ईश्वर से जुड़ गए, अब तो आपकी आत्मा ईश्वरमय हो गई, अब तो आपकी बुद्धि ईश्वर से संबंधित हो गई, अब तो आपका मन ईश्वरमय हो गया। तो मंत्र वाक्यों का संबंध नहीं, शब्दों का संबंध नहीं, मंत्र हृदय मन बुद्धि और ईश्वर का तारतम्य है। जिन लोगों ने, जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने इसको प्राप्त कर लिया वो दुर्लभ हो गए। आप कहते हैं उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, आशीर्वाद इस ब्रह्मांड में केवल ईश्वर के पास है। यदि आप वो आशीर्वाद चाहते हैं, आप वो बनना चाहते हैं, तो आपको मंत्र चाहिए, और मंत्र कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। केवल ईश्वर में हो जाइए, सबको छोड़ दीजिए, अपनी बुद्धि को ईश्वर पर लगा दीजिए, ईश्वरमयी बुद्धि ईश्वरमयी मन ईश्वर मन इंद्रिया सब ईश्वर का हो जाएगा। और उस क्षण जो आप चाहेंगे, ये मान लीजिए जो ईश्वर चाहेगा वही हो। चलिए आज के लिए इतना काफी है, अब पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।